हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीएमई के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीपीआरएस के बारे में पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सीडीएमए। इसकी फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इट इज़ अ चैनल एक्सेस मैथड यूज बाय सेवरल रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ ए डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है और इसका एग्जाम्पल है मल्टीपल एक्सेस करना। इट इज़ यूज फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मल्टीपल एक्सेस मीन्स सेवरल ट्रांसमीटर्स कैन सेंड इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। मतलब बहुत सारे ट्रांसमीटर एक साथ इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, ये मल्टीपल एक्सेस का मतलब है। ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू बहुत सारे ट्रांसमीटर एक साथ मैसेज सेंड कर सकते हैं, ये मतलब है आपका मल्टीपल एक्सेस करने का। वो मल्टीपल एक्सेस हम सीडीएमए के अंदर इजीली कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम डिफरेंट सीडीएमए कोड्स आर असाइंड। यहाँ पे डिफरेंट सीडीएमए कोड्स असाइंड किए जाते हैं टू डिफरेंट यूज़र्स। एफडीएमए में क्या होता था कि से जो ये है डिफरेंट यूज़र्स, वो डिफरेंट यूज़र्स होते थे, लेकिन यहाँ पे कोड का कुछ फंडा नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, सीडीएमए कोड्स असाइन किए जाते हैं डिफरेंट यूज़र्स को, एंड द यूज़र कैन एक्सेस द होल बैंडविड्थ, और यूज़र पूरी बैंडविड्थ को एक साथ यूज़ कर सकता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन के लिए। इट ऑप्टिमाइजेज द यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ एज इट ट्रांसमिट्स ओवर द एंटायर फ्रिक्वेंसी रेंज एंड डज नॉट लिमिट द यूज़र्स फ्रिक्वेंसी रेंज। इसमें ऐसी कोई यूज़र्स फ्रिक्वेंसी रेंज का कुछ नहीं होता कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप एंटायर बैंडविड्थ यूज़र यूज़ कर सकता है। द सी डी एम ए अलाउ सेवरल यूजर्स टू शेयर अ बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज विदाउट इंटरफेरेंस बिटवीन द यूज़र्स। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, यूज्ड इन द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब ये हम जीपीएस में यूज़ करते हैं। यूज्ड बाय सेवरल मोबाइल फ़ोन कंपनीज। डब्ल्यू सी डी एम ए इज़ यूज्ड इन यूटीएमएस 3G मोबाइल फ़ोन स्टैंडर्ड। यूज्ड इन ओमनी ट्रैक सेटेलाइट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे इसके यूजेस हैं, जहाँ जहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो सारा यहाँ बताया हुआ है। अगर हम इसकी कैटेगरीज की बात करें, कैटेगरीज ऑफ सी डी एम ए, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सिंक्रोनस सी डी एम ए यानी कि ऑर्थोगोनल कोड्स, दूसरा है एसिंक्रोनस सी डी एम ए यानी कि स्यूडो रैंडम कोड्स। अगर हम इनके डिफ्रेंसेज देखें सी डी एम ए और जी एस एम टेक्नोलॉजी का, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ये पूछ लिया जाए डिफाइन सी डी एम ए, या फिर ये हो सकता है सी डी एम ए को भी डिफाइन करना पड़े और साथ साथ उसके डिफरेंसेस भी बताने पड़े ए के टी सिलेबस में, तो आपको ये दोनों ही बताने पड़ेंगे। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो सी डी एम ए और जी एस एम में कुछ डिफरेंसेज यहाँ बताए हुए हैं। पहला है टेक्नोलॉजी के में जो डिफरेंस है वो ये कि सी डी एम ए जो है वो बेस्ड है ऑन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी विच मेक्स द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ। जी एस एम में क्या है, ऑपरेट ऑन द वेज स्पेक्ट्रम, ये वेज स्पेक्ट्रम पर बेस्ड है। इट यूजेस बोथ टी डी एम एंड एफ डी एम ए। इसमें हम टी डी एम ए यानी कि टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस और एफ डी एम ए यानी कि फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस यूज कर सकते हैं। टी डी एम ए प्रोवाइड मल्टी यूजर एक्सेस बाय कटिंग अप द चैनल इंटू डिफरेंट टाइम स्लाइस, एंड एफ डी एम ए प्रोवाइड मल्टी यूजर एक्सेस बाय सेपरेटिंग द यूज फ्रिक्वेंसी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो सी डी एम ए जो है वो मोर सिक्योर है देन जी एस एम, और जी एस एम जो है वो लेस सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू सी डी एम ए। अगर ग्लोबल रीच की बात करें, तो सी डी एम ए जो है वो यूज इन कैनेडा एंड जापान। ओनली 24% ऑफ द यूज़र वर्ल्ड वाइड इसे यूज़ कर रहे हैं। और जी एस एम क्या है, वो यूज ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क इन ओवर 210 कंट्रीज। जी एस एम इज़ यूज 76% ऑफ द यूज़र वर्ल्ड वाइड। डेटा ट्रांसफ़र रेट अगर देखा जाए, तो सी डी एम ए में है फास्टर डेटा ट्रांसफ़र रेट। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू जी एस एम। और अगर जी एस एम की बात करें, तो यहाँ पे स्लोअर डेटा ट्रांसफ़र रेट है। तो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन सी डी एम ए एंड जी एस एम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इक्विपमेंट्स स्टडी करेंगे, सैटेलाइट और रडार कंपोनेंट्स के। तो तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करें। अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आ रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। थैंक यू।